गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, दिस इज़ आयुषी सोनी, सब्जेक्ट मैथ। एक्सरसाइज नंबर वन, हमारी एक्सरसाइज नंबर वन चल रही थी, उसके हमने क्वेश्चन सेवन तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर सेवन था, यूज़ द सिंबल ऑफ कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। हमको नंबर्स को कंपेयर करते हुए सिंबल्स यूज़ करने थे। उसके मैंने टू क्वेश्चन सेल्फ करने के लिए दिए थे। आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिए हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर एट। पहले हम क्वेश्चन नंबर एट को रीड करते हैं। यूजिंग द गिवन डिजिट 4, 1, 0, 5 and 7, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। अगेन यूजिंग द गिविंग डिजिट 4, 1, 0, 5 and 7, राइट द, यानी कि हमें डिजिट 4, 1, 0, 5 और 7 का यूज़ करते हुए राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दो नंबर्स राइट करने हैं, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, वो भी 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, यानी बिना किसी डिजिट के रिपीट के, यानी कि एक डिजिट को आप एक ही बार राइट कर सकते हैं, यानी 4 है, आप 4 को ओनली वन टाइम राइट कर सकते हैं, इसको अगेन रिपीट नहीं कर सकते। इस तरीके से यूज़ करते हुए हमें दो नंबर स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, वो भी 5 डिजिट, कंपलसरी है कि दोनों नंबर 5 डिजिट के ही होने चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो हमें दो नंबर्स बिल्डअप करने हैं। देखिए आपको डिजिट दे रखी है 4, 1, 0, 5 and 7, यह आपको डिजिट दे रखी है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो हाईएस्ट डिजिट है यानी कि 7, उसके बाद 5, 4, 1 and 0, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, यानी सबसे हाईएस्ट, फिर उससे कम एंड दैट लोएस्ट नंबर राइट करना है। इस तरीके से हमारा ग्रेटेस्ट नंबर राइट हो जाता है। ये नंबर बन गया हमारा 75,410, नंबर है हमारा 75,410। देखिए यहाँ पर हर डिजिट एक ही बार आ रही है, 7 वन टाइम 5 वन टाइम 4 भी वन टाइम है 1 भी वन टाइम है एंड 0 भी वन टाइम है। तो नंबर्स का रिपीटेशन नहीं करते हुए हमने ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया और वो है 75,410। अगेन हमें अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब देखिए, अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो ऑफकोर्स आप इस तरीके से बनाएंगे 0, 1, 4, 5, 7, बट ये आंसर होगा रॉन्ग, क्योंकि 0 आगे लग रहा है तो 0 की तो कोई वैल्यू रहती ही नहीं है, तो आपका नंबर बचा ये 1,457। देखिए आपको 5 डिजिट नंबर बनाना था, जबकि ये नंबर हो गया हमारा 4 डिजिट नंबर, तो दोनों कंडीशन में आंसर हो गया हमारा रॉन्ग। अगर 0 से आप बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी 5 डिजिट का ही बनाना है, तो इसलिए इस तरीके से ये नहीं बनेगा। यहाँ आपको 1 के बाद 0, 0 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये राइट करना होगा। अब देखिए 0 है हमेशा सेकंड नंबर पे राइट होगा। अब आप बता सकते हैं कि ये 5 डिजिट नंबर है, काउंट कर लो 1, 2, 3, 4 and 5, तो ये आपका आंसर राइट होगा। ये नंबर हो गया 10,457। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनती है स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की। अगर आप इसको 0 को इधर
राइट कर देंगे तो देखिए ये वाला नंबर स्मॉल है इससे, तो इसलिए ये आंसर भी रॉन्ग होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बन गया हमारा 10,457 एंड ग्रेटेस्ट नंबर हमारा बन गया 75,410। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के बाद ही उसका आंसर राइट करना। ओके, राइट दिस, आपका यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। राइट दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।